हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरजास क्रिएशन। आज हम देखेंगे कैसे एक डिज़ाइनर नेक बनाया जाता है। ये आप सूट, टॉप, ब्लाउज किसी में भी बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। उससे आपको हमारा वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। ये हमने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है क्योंकि पहले फ्रंट का पोर्शन बनाया जाएगा, बैक साइड का बाद में बनाया जाएगा। इसकी हमने चौड़ाई 22 इंच लेनी थी तो हम इसको डबल फोल्ड करने के बाद 11 इंच की चौड़ाई रखी है। ये हमने इसकी नेक पे निशान लगा दिया है। कोशिश करें नेक की गोलाई थोड़ी कम ही गोल हो क्योंकि पैटर्न बनने के बाद ये वैसे भी डीप होने वाला है। पैटर्न को कपड़े पे प्रिंट करने से पहले हम इसको पेपर पे कट कर लेंगे ताकि हमारे सारे पैटर्न सेम बने। इसके लिए हमने 2.5 इंच की लंबाई ली है और 1.25 इंच की चौड़ाई ली है। ये आधा इंच से ज़्यादा होती है और 1 इंच से थोड़ा कम होती है। इसके बाद ऐसे शेप दे देंगे इसको और इसको कटिंग कर लेंगे। इसको फोल्ड करके फोल्ड हिस्से पे प्रॉपर मैच करके रखेंगे और इसको ड्रेस कर लेंगे। ध्यान रखें गले से एटलीस्ट 1.5 इंच की दूरी पे बनाएं। आधा इंच हमें गले के फोल्ड करने के लिए चाहिए होगा और आधा इंच से थोड़ा कम पैटर्न को फोल्ड करने में जाएगा। ऐसे ही 1.25 इंच के आसपास हाफ करके इसको दूसरा पैटर्न बना लें। ये हमें एक ही साइड में बनाना होगा। हम प्रॉपर पकड़ के कट करेंगे तो बैक साइड में भी सेम पैटर्न बन जाएगा। अब पैटर्न्स को काट लें। ये हमारी टॉप की लंबाई है जो कि 25 इंच है। आप आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितनी भी रख सकते हैं। जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं वहाँ से सारी तरफ साइड से काट लें। इस तरीके से पकड़ के काटने पे पैटर्न दोनों साइड में सेम निकलेगा। देखिए कितना सुंदर नेक तैयार हुआ है। अब इसको गोटना होगा। उसके लिए हमें उरे पट्टी बनानी होगी। उरे पट्टी की चौड़ाई एटलीस्ट 2.5 से 3 इंच की रखें। उसको डबल फोल्ड करके प्रेस कर लें। अगर आपको उरे पट्टी नहीं बनानी आती है तो हमें कमेंट्स में लिख के बताएं, हम आपको ज़रूर सिखाएंगे। इस तरीके से उरे पट्टी को अटैच कर लें। इस पर कच्चा टाका ही करें। आप पिन भी अटैच कर सकते हैं बट पिन से प्रॉपर शेप नहीं आएगी और सिलाई करने में भी प्रॉब्लम रहेगी, तो आप कोशिश करें सुई धागे की हेल्प से कच्चा टाका ही लगाएं। उरे पट्टी और नेक की पैटर्न को प्रॉपर मैच करते हुए टाका लगाएं। जहाँ पे पैटर्न की गोलाई है वहाँ पे उरे पट्टी लगने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो आपको उसके लिए दूसरी साइड से इस तरीके से कट कर देना है तो आपकी गोलाई वाली जगह पे आराम से उरे पट्टी लग पाएगी। ऐसे ही पूरे पैटर्न पे उरे पट्टी लगा लें। ध्यान रखें ये उरे पट्टी हमेशा कपड़े की सीधी साइड में ही लगेगी। बाद में इसको फोल्ड कर देंगे तो ये बैक साइड में चली जाएगी। एक्स्ट्रा को काट दें। पास पास से हम सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई हो गई है। इसके बाद इसे फोल्ड करने की बारी आएगी। इसको इस तरीके से अंदर की तरफ डालें, थोड़ा प्रॉपरली करें नहीं तो नेक की शेप बिगड़ जाएगी। और इसको गरम प्रेस से प्रेस कर लें तो ये सेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसे तुरपन भी कर सकते हैं, ये इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपका भी सकते हैं। इसी तरीके से दोनों पैटर्न को भी उरे पट्टी की हेल्प से मोड़ लेंगे और गले पे भी हम ऐसे ही बना देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करें, ये हो सकता है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye for now.